शील टाइगर पुलिस स्टेशन के तहत 301 सीआर नंबर हमारे यहाँ पे दाखिल हुआ था, उसमें के जो महिला फिरियादी कंप्लेनेंट थी वंदना गौरी, उनके 73,000 रुपये एटीएम कार्ड से उनका चुरा के, डेटा चुरा के उनके उनके एटीएम कार्ड से निकाले गए थे। इस कंप्लेन पर हमने ऑफेंस रजिस्टर किया था और इस ऑफेंस रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन में हमारे सीनियर पीआई गावड़े और उनकी टीम एपीआई सरफरी और उनकी टीम साइबर जो एक्सपर्ट है, उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक हमने 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। उन 3 आरोपियों के नाम है जमील अहमद शेख, गोविंद सिंह, आशीष कुमार सिंह। ये तीनों भी रहने वाले इलाहाबाद यूपी के हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि ये जहाँ पे ये लोग जाते हैं एटीएम में से पैसे निकालने के लिए, वहाँ से उनसे प्यार मोहब्बत में बात करके थोड़ा फंसा के उनका पिन देखते हैं और जो कार्ड रहता है वो कार्ड स्कीमर के द्वारा वो उसको स्वाइप करके उसका कार्ड का जो डेटा रहता है वो चोरी किया जाता है। चोरी किया हुआ जो डेटा है बाद में कार्ड राइटर और लैपटॉप के इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर जो उनके पास में है उस डेटा से वो डेटा क्लोन करके नए कार्ड बना के दूसरे एटीएम से पैसे निकाल के इस तरीके से ये उसकी सब चीज़ों का अंजाम देते हैं। आज तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपियों के पास से एक डेटा स्कीमर, एक डेटा राइटर, लैपटॉप और 20,000 रुपये अभी तक हमने बरामद किए हैं और साथ ही अभी तक 414 लोगों का डेटा इन्फॉर्मेशन उनके लैपटॉप में पाया गया है। अभी हम लोग ये 414 लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन जो मिली है उनको हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और जिनको इसी तरीके से फंसाया गया है उनको पूछताछ करके उसके आगे की कायदेशीर कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। सर, आरोपियों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन तीनों को अरेस्ट किया है, उनकी पीसी अभी तक 27 तारीख तक है। उनका क्या बैकग्राउंड है, अभी तक इन्होंने कहाँ का ऑफेंसेस किए हैं, कहाँ का गुनाह दाखिल हुए हैं इनके खिलाफ में, इसकी पूरी छानबीन चालू है। सर, स्कीमर जो क्या एटीएम के पास ही लगाते थे या कार्ड लेके करते? ये इनके पास में रहता था। सर, ये दहसर से जो पकड़े गए हैं, दहसर से शुरुआत हुई है, क्या पहला मामला जो दहसर वाला ही दर्ज हुआ था कि अनपहले भी का मामला? नहीं, दहसर से इन्होंने दहसर से इन जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 10,000 रुपये निकाले थे, वहाँ पे वो लोग उसको मिले, उन्होंने वो डेटा वहाँ से उनका कॉपी किया, उसके आगे उन्होंने फिर यहाँ पे मानपाड़ा में शील टाइगर में काफ़ी एटीएम सेंटर से वहाँ से उन्होंने उसके पैसे वहाँ से उनके अकाउंट से निकाले गए हैं और ऐसे काफ़ी सारे जगह एटीएम्स जहाँ पे रायगढ़ है अलग अलग जगह से उन्होंने वो कार्ड्स में से पैसे उन्होंने निकाले हैं। सर, कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली है? 7 दिन की पुलिस कस्टडी।